हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ राग तिलक कामोद की एक अच्छी सी बहुत पारंपरिक और पुरानी बंदिश लेकर। ये जो बंदिश मैं आपको कराने जा रहा हूँ, निर्भरण कैसे जाऊँ सकेली अब, ये बंदिश अभी अभी फिल्म खुदा के लिए ने बहुत फेमस की है, वरना ये बहुत पुरानी और बहुत पारंपरिक बंदिश है, लेकिन आजकल लोगों को अच्छी भी लगने लगी है क्योंकि ये फिल्म खुदा के लिए में भी ली गई है। तो तिलक कामोद की इस बंदिश की बात करने से पहले हम तिलक कामोद राग क्या है उसका थोड़ा परिचय लेंगे। तो तिलक कामोद खमाज थाट से उत्पन्न माना एक राग है। इसमें सारे स्वर वैसे तो नॉर्मली शुद्ध ही लगते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें कोमल नी भी लगता है, इसके कारण इसको खमाज थाट में माना गया है। इसकी जाति शाडो संपूर्ण है क्योंकि आरोह में ध नहीं लेते हैं, तो आरोह में छह स्वर लगेंगे और अवरोह में संपूर्ण है तो शाडो संपूर्ण, अवरोह में सारे स्वर लगेंगे। इसका चलन थोड़ा वक्र है और ये पूर्वांग प्रधान राग है। पूर्वांग में इसको ज्यादा गाया बजाया जाता है, उत्तरांग में बहुत कम। ऊपर के साके ऊपर बहुत कम जाते हैं, नीचे के साके नीचे पंचम तक इसमें बहुत उसका यूज होता है। इस राग में आरोह में ग दुर्बल है। पनी सारे ग सा सारे प म ग सारे ग सानी, ग बहुत कम लिया जाता है, ग पे ठहराव नहीं है बिल्कुल। इस राग में वादी संवादी रे और प है। इस राग में श्रृंगार प्रधान गीतें अच्छे लगते हैं और ये चंचल भी है। इसको गाने का समय है रात्रि का द्वितीय प्रहर, मध्य रात्रि को इसको गाया जाता है। और इसका आरोह है थोड़ा वक्र राग है, समझिए इसके लिए इसका थोड़ा आरोह और थोड़ा अवरोह थोड़ा अलग से है। सा रे ग सा रे म प ध म प सा और अवरोह सा प ध म ग सारे। तो इस तरह से इसका आरोह है। थोड़ा सा इसका आलाप भी देख लेते हैं ताकि आपको इस राग का पूरा चलन समझ में आ जाए। इसके बाद इसकी बंदिश देखते हैं, निर्भरण कैसे जाऊं सकेली अब। आपको स्वर में मैं आपको समझा देता हूं, आप अगर चाहें तो इसको बजा या गा सके। सा पनी सारे ग सारे प म ग सारे ग ग सा रे म प ध म प सा सारे ग ग सा। तो इस तरह से थोड़ा इसका वक्र चलन है, लेकिन इसकी जो बंदिश है निर्भरण कैसे जाऊं सकेली अब, बहुत बढ़िया सी बहुत अच्छी बंदिश है। आप इसको अवश्य तैयार कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो देखते हैं इसकी बंदिश।
तो बंदिश हम ले रहे हैं तीन ताल में, इसकी स्पीड है 140 BPM। ये स्वर हमने लिया है काली पांच, ये फ्लूट है काली पांच ए शार्प स्वर की। इसी बंदिश को शब्दों में भी आपके सामने गा के रखता हूं ताकि आप ये शब्द भी पकड़ सके ताल के साथ। निर्भरन कैसे जाऊं सके रे अब, निर्भरन कैसे जाऊं सके रे अब, डगर चलत मोसे कर चंचल चपल हट नट खट मन, ऐसो चंचल चपल हट नट खट मन, तन काहू की बात बिनती करत मैं तो, तन काहू की बात बिनती करत मैं तो, गए अब इसकी एक एक लाइन नोटेशन के साथ कैसे गाते हैं शब्दों के साथ और नोटेशन के साथ, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप इसको सीखना चाहे तो ये बंदिश को सीख सकें। बहुत ही प्यारी सी बंदिश है, आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा, बहुत इजी भी है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सुनने में फिर भी अच्छी लगती है। तो पहली लाइन है सा निर्भरन कैसे जाऊं सखी रे अब, इसकी नोटेशन है रे गरे पा मा गरे सा नी पा नी सा रे ग नी सा, रे गरे पा मा गरे सा नी पा नी सा रे ग नी सा। तो यहाँ पे प लेना है प नी सा, तो ये प नी के स्पर्श से लेना है, नी प प नी सा रे ग नी सा। दूसरी लाइन डगर चलत मोसे करत रार अब,
डगर चलत मोसे करत रार अब रे म पसा पध मगरे गनी सा सा से प पर मिंड से आना है देखिए कैसे रे म पसा प सा प सा पध मगरे गनी सा रे म पसा पध मगरे गनी सा डगर चलत मोसे करत रार अब रे म पसा पध मगरे गनी सा नीर भरन कैसे जाऊं सखीरी अब रे गरे पा मगर सनी पनी सारे गनी सा। अब इसका अंतरा जो है पहली मात्रा से यानी सम से शुरू होता है, इसके लिए जो मुखड़े की आधी लाइन गा के फिर सम अंतरे की लाइन लेनी है। तो देखिए कैसे नीर भरन कैसे ऐसो चंचल चपल हट नट खट मान ऐसो चंचल चपल हट नट खट मान मम मम पप नी नी सा 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 नी सा मम मम पप नी नी सा 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 नी सा तन काहू की बात बिनती करत मैं तो रे रे सारे गा सा सा परी सारे सानी द प रे रे सारे गा सा सा परी सारे सानी द प गई रे हार अब पध मगर गनी सा गई रे हार अब पध मगर गनी सा नीर भरन कैसे जाऊं सखीरी अब रे गरे प मगर सानी पनी सारे गनी। तो यह है बंदिश राग तिलक कामोद में, बहुत ही अच्छी प्यारी बंदिश है, आशा करता हूँ आपको पसंद आई ही होगी। आप इसको जरूर से ये ट्यूटोरियल वीडियो को देखते हुए सीखेंगे तो आपको जरूर से अच्छी लगेगी। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मैं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बहुत देखा सराहा, आपका बहुत आभारी हूँ, थैंक यू, धन्यवाद। सारे गा रे Yeah.